हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं उदीप एनकोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल और देखेंगे कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं, कौन सा डायरेक्शन में आप जा सकते हैं आज बाय और सेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज क्रूड ऑयल, जिसे मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल एक डोजी बेतन फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मुझे लगा थोड़ा मार्केट नीचे आने का चांसेस है, तो इसलिए मैंने शायद पहले वीडियो में दो लाइन ड्रॉ किया था, सपोर्टिंग लाइन, एक था 3713 और दूसरा 3599। तो मुझे लगा यहाँ तक आ सकता है, तो देख सकता है कल अब मार्केट में 15 मिनट में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकता है जिसे मैंने ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वहाँ तक आया, आप देख सकते हैं 3713 तक। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिला हुआ है, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ था 5/20 में। तो जब क्रॉसओवर हुआ तो आप इसका नीचे 200 का नीचे आप एंट्री हो सकता था, तो यहाँ पे आपका टारगेट था। तो आज देखेंगे मार्केट क्या होने वाला है। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे आप ये जो क्रूड ऑयल है, तो मुझे लगा अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें आप सेल जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लाइन है, तो जिसे ड्रॉ किया था मैंने, यहाँ पे आप देख सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज एक फ्यूचर रेजिस्टेंस बन के यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। अगर ये मूविंग एवरेज फिर से क्रॉस ओवर हो गया 20 मूविंग एवरेज से 5 मूविंग एवरेज, राइट, तो यहाँ से फिर से आप बाय जा सकते हैं 200 मूविंग एवरेज का ऊपर, और टारगेट आप रख सकते हैं वो पहले जो एक रेजिस्टेंस लाइन अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा अराउंड 3883, तो आप देख सकते यहाँ पे टारगेट 388 आप टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम जिंक में देखें, तो जिंक आप देख सकते हैं डेली मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ पे हायर पॉइंट लोअर हायर पॉइंट था, दोनों को कनेक्ट करके मैंने एक डायगोनल लाइन दिया था, तो एग्जैक्टली वहां पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। तो अगर इसका नीचे हम कभी बाय नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखे, 15 मिनट टाइम फ्रेम देखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम ट्राई किया था, फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, ट्राई किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए, तो ब्रेकआउट किया नहीं। तो अगर इसको ब्रेकआउट करके यस्टरडे हाई का ऊपर चला गया, तो यहाँ से आप इसका ऊपर से आप बाय जा सकते हैं, राइट। और सेल जाने के लिए आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर यूज करना चाहिए, तो अगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो गया यहाँ से 5/20, तो आप सेल में जा सकते हैं और 200 मूविंग एवरेज के आसपास से आप निकल सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।